उसमें डीएम और एसएसपी साहब ने क्लीन चिट लगा दी। किसी बात को उठा रहे हैं तो सरकार और वहां के अधिकारी मिलकर के नर्सिंग होम के साथ मिलकर के जो न्याय मिलना चाहिए, जो मरीज को इलाज मिलना चाहिए वो इलाज दे नहीं रहे। जो अगर आवाज उठा रहे हैं तो उसके साथ के आप मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। आपका अगर कोई विषय, क्योंकि आपका नाम है, अगर कोई विषय ना आया हो तो उसके ऊपर आप बोलिए। हैं? नहीं, अलग नहीं, अलग अलग से कोई नहीं लिया गया, इसी लिया गया, अलग कुछ नहीं लिया गया। इसमें अगर आपका कोई विषय ना माने नेता प्रतिपक्ष ने रखा हो, वर्मा जी ने ना रखा हो, तो केवल आप बोल सकते हैं। नहीं, संरक्षण चाहिए। मैं इस सदन का सदस्य हूं और मेरी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या मेरे पास आती है। नहीं, कोई समस्या अलग विषय उठाई। डेंगू पर बात करिए माने, तो कोई समस्या, मतलब डेंगू से बीमार अगर कोई व्यक्ति है, मैंने डीएम साहब को उसकी सूचना दी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब सरकारी में इलाज नहीं मिला, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति पहुंचा, मैं साहब वहां पर खुद पहुंचा, माने उप मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, बाकायदा उस पर ट्वीट किया, 3 सदस्य कमेटी बना दी, वो सदस्य कमेटी डीएम साहब ने भेजी। मैं मौके पे जब पहुंचा, मैं डीएम साहब को, सीएमओ साहब को, सबको बता गया। मौके पे थाने की स्थानीय पुलिस, माने मुख्यमंत्री जी बैठे, थाने की पुलिस मौके पे थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कोर्ट से आप दवाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति जब महंगी दवाई अस्पताल में मिल रही है तो ये दवाई बाहर से भी ला सकता है। आपने अस्पताल में ही लैब खोल रखी है, अस्पताल में ही मेडिकल स्टोर खोल रखा है, और आप किसी भी ड्रग्स इंस्पेक्टर से, किसी भी ड्रग्स से आप कहीं से भी जांच करा लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का लिख के मुकदमा दर्ज हुआ उसमें डीएम और एसएसपी साहब ने क्लीन चिट लगा दी, और उसी विश्वास में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा वो लिख के दे दीजिए, वो लिख के दे दीजिए, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास भेज दूंगा। आप उसको लिख के दे दीजिए, मैं आपका अधिकार है, आप लिख के दे दीजिए माननीय संसदीय कार्य। अरे मैं कह रहा हूँ आप लिख के दे दीजिए, मैं आपको कब मना कर रहा हूँ, आप लिख के दे दीजिए। ये मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ पर संज्ञान नहीं ले सकता, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला। वहां की स्थिति क्या, 322 हॉस्पिटल कोरोना ने पूरी बात बता दी, प्राइवेट 322 हॉस्पिटल, आप उनके मानक चेक करवा लीजिए, कोई वहां पर कोई फैसिलिटी, कोई आरएमओ नहीं है, कोई डॉक्टर फैसिलिटी नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है क्या नहीं है उसकी सूची नहीं होगी, आप लिख के देंगे तो उसकी जानकारी करवाएंगे। जी प्लीज, अगर माननीय सदस्य किसी बात को उठा रहे हैं तो सरकार और वहां के अधिकारी मिलकर के नर्सिंग होम के साथ मिलकर के जो न्याय मिलना चाहिए, जो मरीज को इलाज मिलना चाहिए वो इलाज दे नहीं रहे। जो अगर आवाज उठा रहे हैं तो उसके साथ के आप मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, तो ये कहां की कहां का। मैंने नेता प्रतिपक्ष, मैंने ये निवेदन किया है आपके द्वारा, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, माननीय लालजी वर्मा जी के द्वारा पूरा विषय आ गया। आपको इंडिविजुअल विषय है तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भेज उसको दिखवा लूंगा। मैंने उसको डिनाई नहीं किया, अब डिनाई नहीं किया आप, लेकिन इंडिविजुअल विषय नियम 56 के अंतर्गत, या तो फिर एक इंडिविजुअल विषय लेते हैं नियम 56 के अंतर्गत, मैं अभी आगे बताऊंगा तो नियम। एक मिनट, एक मैं आप उसको दीजिए लिख के बताइए। अरे आपको कह दिया आप लिख के दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी ड्यूटी वापस ले लूँ।